हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं मंथल, और जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर, आपको पता ही है आज का जो वेदर है बहुत ही ठंडा ठंडा हो चुका है, मज़ेदार वेदर है। चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे और वहाँ पे भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या शॉप्स जो हैं ओपन हैं वहाँ पे, और क्या क्या कुछ खाने को मिलता है हमें वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी शॉप्स हैं उसकी थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बना लेंगे और आपको बताएंगे कि किस हिसाब से वहाँ पे क्राउड है, सेल्स हैं लोगों की किस तरह से चल रही हैं वहाँ पे। सो चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे और डलवाते हैं पेट्रोल और करते हैं ट्रिप ज़ीरो, और देखते हैं इस ट्रिप में जो हमारी जो माइलेज है गाड़ी की नेक्सॉन की वो कितनी आई है। सो लेट्स गो गाइस। सो फाइनली गाइस, हम यहाँ मंथल जो फेमस पॉइंट है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और देखते हैं यहाँ पे कितना ही क्राउड है, और हो सका तो किसी शॉपकीपर से हम बात करके भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू दिखता है, यहाँ पे माउंटेन्स सामने दिख रहे हैं यहाँ पे। सो चलिए, यहाँ पे एक पिक्चर की शॉप मुझे दिखी है, यहाँ पे चलते हैं और इनसे थोड़ी बात करते हैं। और शॉपकीपर से बात करने से पहले आपको थोड़ा इनकी शॉप के बारे में मैं बता देता हूँ। सो गाइज, जैसे ही आप जम्मू से अगर आते हैं मंथल की तरफ, तो वहाँ से जब आगे से आप डिवाइडर से पूरा यू टर्न लेके वापस आएंगे, तो ये जो शॉप आपको है जो लास्ट में मिलेगी, यानी कि पहले ढाबे आएंगे उसके बाद ये शॉप आती है। सो आप यहाँ पर विज़िट करें और यहाँ पर हर वेराइटी का आपको जो अचार मिलेगा। सो आप शॉप का ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद हम शॉप कीपर वाले भैया से भी बात करते हैं। तो आप कभी भी यहाँ पे विज़िट करते हैं तो आपको ये सर मिलेंगे। सो आप बता सकते हैं यहाँ पे किस किस वैरायटी के जो अचार हैं मिलते हैं, मतलब क्या क्या किस किस तरह का अचार है यहाँ पे? अलग अलग वैरायटी के अचार हैं, मैंगो का। अच्छा, मैंगो का हो गया, और लेमन का। लेमन का कितनी कितनी क्वान्टिटी के आपने रखे हैं? आधा किलो और एक किलो, ठीक है। और किस किस प्राइस में मिलेंगे आप बता सकते हैं थोड़ा? हाँ जी, मतलब आधा किलो वाला अगर कोई आम का अचार लेता है वो कितने का मिलेगा यहाँ से? आधा किलो का, आधा किलो 80 का मिलेगा। 80 रुपये का, ठीक है। और एक केजी का? एक केजी का 130 का। 130 का। अभी आप कुछ यहाँ पे बता रहे थे मुझे, ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये थोड़ा इसके बारे में बता देंगे आप? ये सेब का मुरब्बा है। अच्छा, सेब का मुरब्बा है। ये जितने भी अचार यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से और से बनते हैं या किसी और जगह पे और आप यहाँ पे लाके सेल करते हैं? लोकली बनते हैं, हम सेल करते हैं। अच्छा, आप लोकल बनते हैं और आप सेल करते हैं, ठीक है। तो और कोई चीज़ जो आप अपने शॉप के बारे में बताना चाहोगे यहाँ पे? मतलब आम का आपने बता दिया, आम का अचार है, नींबू का अचार है, मिर्ची का अचार है, और मिर्ची की चटनी का अचार है। अच्छा, मिर्ची की चटनी का अचार है, खट्टी मीठी चटनी, ठीक है। अजीब अंदर कड़म का अचार। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सो गाइस, आप देख सकते हैं आगे से जब डिवाइडर से यू टर्न लेके आते हैं आप, तो यहाँ पे ये लास्ट शॉप आपको मिलेगी ये पिकल्स की। हर एक शॉप के बाहर जो मैंने क्राउड देखा है, लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, बट इस शॉप के बाहर जो है
मुझे हल्का सा एक दो ही क्लाइंट्स जो कस्टमर जो हैं यहाँ पे दिखे जो इनसे सामान ले रहे थे, क्योंकि इनकी जो शॉप है जब हम जम्मू से आगे से यू टर्न लेके आते हैं तो लास्ट में शॉप पड़ती है। जो भी कस्टमर्स आते हैं वो पहले पहले स्टार्टिंग वाली शॉप से ही लेते हैं, लास्ट वाली शॉप तक वो पहुँचते ही नहीं हैं। सो गाइस, इसीलिए मैं ये वीडियो के थ्रू इनकी शॉप हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप कभी भी मंथल आते हैं तो ये लास्ट शॉप है इनकी, इनकी शॉप से भी ज़रूर कुछ ना कुछ लें, क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम है, सभी इस वक्त सबकी सेल्स जो हैं काफ़ी डाउन चल रही हैं। सो इस शॉप पे आप ज़रूर विज़िट करिए। सो गाइस, हमने यहाँ से जो दो तीन किस्म का अचार जो ले लिया है, अब चलते हैं आगे और करते हैं लंच। गाइस, आपने भी बड़ी बार सुना होगा कि यहाँ का जो नॉनवेज है बहुत ही फेमस है। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉनवेज ही मिलता है, यहाँ पे वेज भी मिलता है, यहाँ पे वेजिटेरियन ढाबे भी हैं। सो जो भी वेजिटेरियन है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बाकी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स नॉनवेज हैं और आप वेज हैं तो आप उनके साथ यहाँ पे आके जो है लंच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको यहाँ पे। सो हम तो नॉनवेज हैं, हम नॉनवेज की तरफ ही जाएंगे। चलिए अब नॉनवेज ढाबे पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा यहाँ पे सब है। सो गाइस, इस ढाबे में आपको जो है चिकन की ही वैरायटीज़ मिलेंगी, मटन यहाँ पे नहीं मिलता। सो चिकन में आपको बता दूँ, तंदूरी चिकन और मसाला चिकन यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में आप रोटी ले सकते हैं और नॉन भी ले सकते हैं। सो यहाँ के चिकन की जो खास बात ये है कि जो चिकन के ऊपर की जो स्किन होती है ये लोग स्किन नहीं उतारते हैं, स्किन के साथ ही आपको सर्व करते हैं, देख सकते हैं आप चिकन की, और जो उसका जो टेस्ट होता है चिकन का वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइनली हमारा जो लंच है डन हो चुका है। सो जितना मैंने मंथल के बारे में सुना था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे टेस्टी यहाँ पे लगा है चिकन। सो अब बाहर की तरफ अगर देखते हैं तो बाहर हल्का हल्का जो है ड्रिजलिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और चलते हैं अब और लेते हैं मौसम के नज़ारे। लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और अगर आप मीटर में देखें तो 109 किलोमीटर्स की हमारी जो ट्रिप हो चुकी है, इसमें जो हमारी माइलेज मिली है वो 18.5 किलोमीटर्स पर लीटर की मिली है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और गाइस, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है कार्स लवर जेके के नाम से, उसको फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।